फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, लाइफस्टाइल एंड फूड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली, गाजर एंड पोटैटो की सब्जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्रोकली के फ्लोरेट्स ले रखे हैं, और ये मैंने ले रखा है आलू और कैरेट। इन सबको मैंने अच्छे से पील कर दिया है। ये फ्लोरेट्स के ये जो हार्ड पार्ट है, इसको हम छील के अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे छील लेंगे। ये देखिए, अब हम इस तरीके से ब्रोकली को छोटा छोटा जुलियंस में काट लेंगे, बिल्कुल थिन स्लाइसेस। इसी तरीके से हम सारा ब्रोकली काटेंगे। ये देखिए, मैंने सारा ब्रोकली इस तरीके से स्टिक्स में काट लिया है, और हम कैरेट को भी इसी तरीके से काटेंगे जुलियंस में। इसी तरीके से हम सारी कैरेट को काट लेंगे, और अब हम आलू को भी इसी तरीके से जुलियंस में काटेंगे। ये देखिए, हमने कैरेट, आलू और ब्रोकली काट के तैयार कर लिया है, और ये हमने आधा अनियन जो है, ये भी हमने स्लाइसेस में कट करा है। इसका तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स पॉप होने के बाद हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स। क्योंकि हीट बहुत हाई थी, तो मैंने जो पैन है वो बाहर कर लिया है हीट से, और मैं इसमें अब डाल रही हूँ प्याज। और अब हम इसको प्याज को अच्छे से टॉस करेंगे। अब फिर से मैंने इसको हीट पे लगा दिया है, ताकि ये हमारे जो सीड्स, हीट से मैंने इसलिए बाहर निकाला था ताकि ये जो हमारे सीड्स है वो जले नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 teaspoon टर्मेरिक पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, गोल्डन कलर नहीं देना है, बस इसकी हमें शार्पनेस हटानी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले कैरेट। अच्छे से टॉस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको करछी से भी हिला सकते हैं। और अब हम इसको हाई हीट पे दो मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और इसको फिर से एक बार मिक्स करेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढकेंगे, ताकि जो हमारी कैरेट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब 2 मिनट के बाद हम पैन को, लिड को ओपन करेंगे, और अपनी बाकी की सब्जियां जो ब्रोकली है वो हम ऐड कर देंगे, और अपनी गैस का फ्लेम फुल करेंगे। कुछ भी ऐड करेंगे तो हम अपनी गैस का फ्लेम फुल करेंगे। आलू और ब्रोकली मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अलग से सब्जियां और ऐड करी हैं। और फिर अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपनी गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, और इसको फिर से ढक देंगे ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसको एक बार ही चला लेंगे सब्जी को लिड खोल के। अब हम इसको एक बार फिर से खोल के, और इसका जो वाटर है उसमें हमने डाल दिया मॉइस्चर। और अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
गैस का फ्लेम हम फुल कर लेंगे। करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अमचूर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा हम गैस को हाई करके इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे।